देखिए फ्रेंड्स, हमारा मेदू वड़ा बनके तैयार है। इसका क्रिस्पीनेस का आप अंदाजा इस साउंड के साथ लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव की जेन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेदू वड़ा, वो भी सूजी के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेदू वड़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने सूजी 150 ग्राम के आसपास लिया है। दही हमारा 70 ग्राम से 80 ग्राम के आसपास है। और अदरक लहसुन, हमने अदरक आधी इंच और लहसुन 4 से 5 कलियां को हमने पीस रखा है। और हम सूखी मसाला जो लेंगे वो 1/4 चम्मच के आसपास लेंगे। तो ये धनिया है, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गर्म मसाला पाउडर, और एक आधी चम्मच खड़ा जीरा लेंगे। और 4 से 5 हरी मिर्च को हमने काटा है। और इन सबको हम अच्छे से एक बॉल में मिलाएंगे। तो हमने सूजी डाला है यहाँ पे और उसका आधा दही डाला है। दही फ्रेंड्स ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसका स्वाद ज़्यादा खट्टा लगेगा। वैसे आपको पसंद थोड़ा ज़्यादा खट्टा खाना हो तो आप डाल सकते हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है, क्योंकि आधी इंच अदरक का टुकड़ा हमने डाला था। और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और इन सारे सूखे मसालों को हम डालेंगे। और हम इसमें थोड़ी सी नमक ऐड कर लेंगे। आप नमक चाहे तो काला नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस मेदू वड़ा को हम वड़ा भी बोल सकते हैं, इसे वड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा इस प्रकार से मिला है। तो इसमें हम अभी थोड़ी सी और पानी ऐड करेंगे। हमने अभी बगैर पानी का इस प्रकार का डो अभी तैयार किया है। तो पानी हम ज़्यादा नहीं देंगे फ्रेंड्स। इसका बैटर हमें फ्रेंड्स इस प्रकार बनाना है कि इसका गोला अपने हाथों में हम बना सकें। और ये हमारा फाइनली तैयार है डो, और उसे 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे इसे सेट होने के लिए। तो अब हमें कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे फ्रेंड्स। तेल हमने लगभग 150 ग्राम के आसपास प्रयोग किया है, इतना तेल हमारा लगेगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस प्रकार से इसकी टिक्की तैयार करेंगे। हाथ में पहले खूब ज़्यादा मात्रा में तेल लगा लेंगे, उसके बाद गोला करके इसे इसमें जो हम होल कर रहे हैं तो उसको करने के लिए फ्रेंड्स हम पानी में उंगली लगा के इसको अच्छे से उंगली देके इसको घुमाएंगे। तो ये देखिए हम पानी उंगली में लगा के इस तरह से आप करेंगे तो इस प्रकार का शेप बन जाएगा। सारे डो को हमने इसी प्रकार से किया है, हाथों पर गोल करके उसे हल्का सा प्रेस करके बस उसमें उंगली से एक बीच में इस प्रकार का शेप बनाना है फ्रेंड्स। तो तेल फ्रेंड्स हम हाथों में बहुत ही ज़्यादा लगाएंगे, ये तो कम लगाएंगे तो फिर ये चिपक जाएगा हाथों में। तो बारी बारी से हमने इस प्रकार से ये किया है। तो ये देखिए हमारा एक तरफ सिक चुका है फ्रेंड्स, और दूसरी तरफ हम इसे पलट देंगे। इसे फ्रेंड्स हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, तेज़ फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये हमारा बीच में कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये लगभग पक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए है ना, बिल्कुल इसको गोल्डन करना है फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा बिल्कुल भी रेड नहीं करना है। और लो टू मीडियम पे पकाएंगे। इसी प्रकार से हमने सारे बारे को इसी प्रकार से बनाया है फ्रेंड्स। इसमें आप चाहें तो धनिया का डो बनाते समय धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं, हरा धनिया का पत्ता। अभी लॉकडाउन के चलते अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। इसी प्रकार से हमने सारे मेदू वड़े को बना लिया है फ्रेंड्स। और इसे ध्यान देंगे बिल्कुल लो टू मीडियम पे ही पकाएंगे, तभी ये अच्छा से बनेगा। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म वड़ा बन के तैयार है फ्रेंड्स। ये बहुत ही क्रिस्पी होता है ऊपर से फ्रेंड्स, और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट।
इसे खाने में बहुत ही मज़ा लगता है। तो ये हमने टमाटो केचप इसमें डाला है, तो आप चाहे इसे हरी धनिया चटनी के साथ खा सकते हैं या टमाटो केचप के साथ। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म मेदू बारा बनके तैयार है फ्रेंड्स, है ना, बहुत ही क्रिस्पी। तो आप भी इस रेसिपी को फ्रेंड्स अपने घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो ये देखिए ये कितना क्रिस्पी है फ्रेंड्स, आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए ये है ना बिल्कुल क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची होता है फ्रेंड्स। और इसे तोड़ने से ये देखिए, हम तोड़ के भी देख रहे हैं, ये देखिए हमारा बिल्कुल अंदर से है ना सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।